हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑफ कॉमर्स। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रोनाउन एंड देयर टाइप्स। सो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोनाउन क्या होता है। चूंकि हम इससे पहले के वीडियो में जब मैंने डाला था वीडियो, उसमें नाउन के बारे में मैंने बताया था और नाउन के टाइप्स के बारे में बताया था कि नाउन क्या होते हैं और उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो उसके बाद जो हमारा ये जो वीडियो है ना, उसमें हम बताएंगे आपको कि प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं, वो भी एक शानदार ट्रिक के साथ। ठीक है ना, जो ट्रिक आप लोग शायद सुनेंगे, तुम्हारे कहने से पहले हंसी आ रही है तो आप लोग समझ सकते हैं कि कहेंगे और फिर उसका एक्सप्लेन जब करेंगे तो आप लोगों की शायद हंसी नहीं रुकने वाली है, लेकिन फिर भी आपको गारंटी है इस वीडियो के अंदर याद हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनाउन क्या होता है ना, इसे हमें समझना पड़ेगा कि प्रोनाउन क्या है। ये आप सभी शायद जानते होंगे कि दिस इज द पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, दिस इज द पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ ए स्पीच का एक भाग है। तो भाग है यानी कि नाउन से सेकेंड नंबर में जो प्रोनाउन आता है, तो इसमें भी एक कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि नाउन शब्द छुपा हुआ है, साथ में पीछे में लगा है प्रोनाउन, प्रो। तो प्रो नाउन इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इंस्टीड ऑफ। नाउन तो आप लोग पहले से समझते हैं कि कोई भी हम लोग नेम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। दुनिया का कोई भी नाम नाउन कहलाएगा। और इंस्टीड ऑफ प्रो का मतलब, इंस्टीड ऑफ का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि के बदले में, किसके बदले में? नाउन के बदले में। मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि प्रोनाउन जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? नाउन के बदले में जो शब्द प्रयोग करते हैं हमें किसी भी सेंटेंस में, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में अगर, या हिंदी सेंटेंस में भी हम बात कर सकते हैं। तो हिंदी में सर्वनाम कहेंगे, इंग्लिश में प्रोनाउन कहेंगे, बात तो एक ही है। तो जो नाउन के बदले में जो शब्द प्रयोग करते हैं ना, वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। तो अगर हम इसका डिफिनेशन की बात करें तो क्या हो सकता है? डिफिनेशन होगा द वर्ड विच इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के प्लेस पर जो यूज करते हैं जो शब्द, उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? वह शब्द जो किसी नाउन के बदले में आता हो, यानी कि किसी नाउन के बदले में हम जब प्रयोग करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। थोड़ा सा हम हिंदी में समझाते हैं उस चीज़ को। जैसे कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं, उसका, तुम, आप, आपका, ये या यह, वह, ये, वे। अक्सर हम लोग हिंदी जब बोलते हैं ना, तो इन सब का इस्तेमाल करते हैं। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। इसमें मैं क्या हो गया? मैं अपने नाम के बदले मैंने मैं बोला। वह एक लड़का है। अब लड़का का तो कोई नाम होगा, लेकिन उस नाम के बदले में मैंने क्या बोला? वह। तो ये सभी क्या है ना, एक प्रोनाउन है, सर्वनाम है। अब इसमें आप कहोगे सर ये मैं है, तुम है, आप है, इसमें तो टाइप्स हो गया अलग अलग। तो उसी टाइप्स के लिए मैंने एक ट्रिक्स बनाया है खुद से, जो कि आपको किसी भी YouTube चैनल पर या Google पर या कहीं भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि मेरा वो खुद का मेहनत है, तो उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा ही लगेगा। चलिए हम ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि उसके टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं और टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सा टाइप्स होता है इसका, प्रोनाउन का। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यहां पे मैं ट्रिक का नाम लिखता हूं, डाइपर, DIPER। सुन के हंसी तो जरूर आई होगी, क्योंकि डाइपर जो होते हैं वो बच्चे लोग को पहनाया जाता है जब वो बहुत छोटे होते हैं ना। तो डी का, आई का, पी और ई आर का, मतलब सबका कुछ ना कुछ मतलब होता है। और हम ऐसा इसीलिए बनाए हैं, क्योंकि देखिए मेरा स्टूडेंट लोग सब हंस रहे हैं क्लास में अभी है, तो इससे पहले मैंने इस लोग को बताया है, तो चलिए आपको बता देते हैं डी का क्या मतलब हुआ। डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, और दूसरा हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। देखिए सब में प्रोनाउन लगाना है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दो तो ऐसे याद हो गया। आई से हो गया आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन, और फिर आई से हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए दो दो चार, चार आपका
टाइप्स क्लियर। पी, पी से आप क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन और पजेसी प्रोनाउन। ई से आपका एक याद रखना है एम्फैटिक, एम्फैटिक प्रोनाउन। और आर से तीन को याद रखना है आपको, ठीक है। आर से एक होता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगला हो गया आपका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, और अगला हो गया आपका रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्टिव और रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन। तो आप गिनती कर सकते हैं, दो दो चार, एक पाँच, छः सात आठ नौ दस, यानी कि टाइप्स जो हो गया प्रोनाउन का वह कितना हो गया, दस हो गया। और उम्मीद करते हैं कि आपको यह याद हो गया होगा, ठीक है ना। डी का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव। आई का क्या मतलब होता है, इंडेफिनेट, इंट्रोगेटिव। पी का मतलब पर्सनल, पजेसिव। ई का सिर्फ एक याद रखना है आपको, एम्फैटिक। और आर का तीन, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्टिव और रिलेटिव, ठीक है। सब में आपको प्रोनाउन जोड़ देना है, हो गया प्रोनाउन का टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसको आप अगर एक बार दिमाग में फिर से रिवीजन करते हैं इसको देख करके ही, तो आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगला वीडियो जब लाएंगे ना, इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, चूंकि इसके जो अलग अलग बारे में जब बताएंगे उसका ढेर सारा बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, है ना। तो फिर YouTube पर अपलोड करना फिर दिक्कत हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इन सभी के बारे में इसका डिफिनेशन और साथ में इसका कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको कुछ बेहतर समझ में आ सके। तो आज रहने देते हैं इतना ही पर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।